नमस्ते बालाजी जी, प्यारों में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों के स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग, जिसमें हम देखेंगे आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। आप जिनके साथ लव रिलेशन में हो या फिर आप शादीशुदा भी हो, लेकिन आपको जानने की इच्छा है कि आपकी पर्सन आपके लिए क्या फील करता है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। अगर आप सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप लिब्रा हो यानी तुला राशि हो, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। और आप लोगों से हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है तो हर बात तो हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा, ये आपको भी पता है। जितना रेजोनेट करता है उतना रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। और एनर्जी भी वाइज वर्सा होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं, ये भी आपको पता ही होगा। तो देखते हैं लिब्रा यानी तुला राशि, आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, आपकी करंट फीलिंग्स क्या है उनके प्रति। ओनली फॉर उनका करंट फीलिंग्स देखेंगे, ये नहीं आप भी क्या सोचते हो, ये भी तो देखना है। और वो इन 72 घंटे में क्या एक्शन ले सकते हैं और यूनिवर्स जी क्या कहना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। कोई मुझे ये बोलता है कि साउंड की थोड़ा प्रॉब्लम रहता है, तो हाँ मैं ये मानती हूँ कि मेरा आवाज़ थोड़ा कम है, बैठा हुआ रहता है, तो प्लीज़ अपना समझ के थोड़ा माफ़ कर दीजिएगा। और जिस तरह से सुनाई दे हेडफोन लगा के, ये अभी कुछ इंतजाम ज़ोर से चला के तो सुनिएगा प्लीज़, इसके लिए हमें माफ़ कीजिए। मैं खुद से कुछ नहीं करती हूँ, मेरा आवाज़ ही थोड़ा कम है, मतलब मैं थोड़ी धीरे बोलती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। लिब्रा यानी तुला राशि, देखते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, द स्टार का कार्ड, एट ऑफ वंड्स के कार्ड। आपके जो पर्सन है करंटली इन 72 आवर्स में, वो आपसे बहुत सारा बातें करना चाहते हैं, वो क्लियर कम्युनिकेशन चाहते हैं, वो खुद को हील कर रहे हैं। उन्होंने पिछले वक्त आपके साथ रिश्ते में जो भी गलतियां की थी या फिर किया था, वो उसको सही करना चाहते हैं, खुद को हील करना चाहते हैं, पिछले गलती से सीख लेके वो इस बार वो गलती दोबारा नहीं करना चाहते हैं। और सबसे अच्छी और सबसे पॉजिटिव बात यह है कि वो रिश्ते में बैलेंस करना चाहते हैं, इक्वल गिव एंड टेक देना चाहते हैं। वो चाहते हैं अभी वो इस रिश्ते में आपको इक्वल गिव एंड टेक दे, जितना आपने उनको दिया है, हो सकता है उन्होंने आपको उतना नहीं दे पाए पिछले बार, या फिर रिश्ते में नहीं दे पाते हैं, लेकिन अभी वो सोच रहे हैं अगर आप कांटेक्ट में हो तो भी, नो कांटेक्ट में हो तो भी, एक साथ रहते हो तो भी, इन 72 घंटे में उनका ऐसा फीलिंग्स रहेगा कि कैसे रिश्ते को बैलेंस किया जाए, कैसे चीज़ों को सही किया जाए। अगर उन्होंने पहले आपको सही वक्त, पैसा, कुछ भी सही तरह से नहीं कंट्रीब्यूट किया था, तो अभी वो रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक देना चाहते हैं। और खुद जो रिश्ते में जो गलतियां किया था उन्होंने, उसको वो हील करना चाहते हैं उससे, और अपने अंदर एक स्ट्रेंथ, एक पावर लाना चाहते हैं, और धीरे धीरे चीज़ों को सही करना चाहते हैं। और सबसे और वेरी इम्पॉर्टेंट बात यही है कि वो आपके साथ, हो सकता है आप लोग दूर दूर रहते हो तो वो आपसे बहुत सारा बातें करना चाहते हैं, ऑनलाइन कम्युनिकेशन चाहते हैं। अगर आप मिल भी ना पाओ तो टेक्स्ट कॉल या मैसेज के माध्यम से वो आपसे अपनी दिल की बातें कहना चाहते हैं। बहुत ही पॉजिटिव थॉट्स है। अभी देखते हैं इन 72 घंटे में आपका क्या फीलिंग्स रहेगी, करंट फीलिंग्स क्या रहेगी इन 72 घंटे में। जब आप ये रीडिंग देख रहे हो लिब्रा, तो इन 72 घंटे में आपकी करंट फीलिंग्स क्या रहने वाली है, आप क्या सोच रहे हो उनके बारे में। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, थ्री ऑफ वॉन्ड्स। मुझे लगता है आपके रिश्ते में बहुत सारी लोगों की इन्वॉल्वमेंट है, हो सकता है कोई एक इस रिश्ते में है जो थर्ड पार्टी में था या फिर है, या फिर
ऐसा भी हो सकता है, थर्ड पार्टी हमेशा इंसान नहीं हो सकता है, उसका जॉब, उसके घर वाले, रिश्तेदार, तो इस तरह की कोई ऑप्शन, आपकी जो करंट फीलिंग्स है, आप अपने पर काम करना चाहते हो, अपनी स्टेबिलिटी पर काम करना चाहते हो, आप पैसों पे काम करना चाहते हो, आप चाहते हो कि आप इतना स्टेबल बन जाओ, इतना काबिल बन जाओ कि कोई भी आपकी तरफ कुछ भी ऐसा बोल ना पाए जिससे आप खुद हर्ट हो, और आप शादी तो चाहते हो, रिश्ता चाहते हो, लेकिन सबसे ज़्यादा आप अपनी स्टेबिलिटी चाहते हो, आप फ्रीडम चाहते हो। देखिए बॉटम ऑफ द डेक में आया है द फूल का कार्ड, आप चाहते हो कि कोई आपको रोक टोक ना करे, एकदम बिंदास होके आप जीना चाहते हो और नए से सब कुछ शुरू करना चाहते हो, जो पहले हो गया सो हो गया, जैसा था था, जितनी परेशानी थी थी, इसीलिए अभी आप टीम वर्क करना चाहते हो, आप चाहते हो अगर किसी की मदद से भी ये रिश्ता सही किया जाए तो भी आप करना चाहते हो, लेकिन आप सही वक्त का इंतज़ार कर रहे हो सकता है आपके पास और भी ऑप्शन हो, इसीलिए आप सुनोगी सबकी, करोगी मन की, आप सही वक्त में सही डिसीजन लोगे और आप चाह रहे हो कि हर चीज़ को सोच समझ के परख के फिर रिश्ते में आगे जाया जाए, और अपनी फ़ायदा, जो जैसा मैंने कहा बॉटम ऑफ द डेक में आया है कि आप शुरू से शुरू करना चाहते हो, बिंदास जीना चाहते हो, आप चाहते हो जिसमें आपकी मर्जी शामिल हो, आपकी खुशी हो, आपको सही लगे, आप वही डिसीजन लेना चाहते हो, इसीलिए आप रुके हुए हो। अभी इन 72 घंटे में आप एक वेटिंग मूड में हो, आप सोच रहे हो क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, अगर इसके लिए आपको किसी की मदद भी लेनी पड़े तो आप लेना चाहते हो, लेकिन आप जल्दबाजी नहीं चाहते हो, आप सोच समझ के डिसीजन लेना चाहते हो। अभी देखते हैं इन 72 घंटे में आपकी पर्सन की क्या एक्शन रहेगा। द एम्परर, सेवन ऑफ वांड्स, द मैजिशियन, आपके पर्सन चाहते हैं कि आप इस रिश्ते से गिव अप ना करो, वो भी इस रिश्ते से गिव अप नहीं करना चाहते हैं, वो मेहनत करना चाहते हैं इस रिश्ते में, और वो ये भी चाहते हैं कि वो इतना स्टेबल बन जाए, इतना काबिल बन जाए कि आप इनकार ना कर पाओ, वो आपको भी एक स्टेबल पोजीशन पे देखना चाहते हैं और देख भी रहे हैं, आपके प्रति उनका अट्रैक्शन भी है, वो देख रहे हैं कि आप खुद को कैसे बदल लिया है, आपने आपने खुद को कैसे एक अच्छे मुकाम पे लेके गए हो, जैसे आप पहले थे वैसे अभी नहीं हो, इस तरह की जो आपकी जो करंट जो एनर्जी है, आप बहुत ही स्टेबल एनर्जी में हो, स्टेबल माइंडेड, सेल्फ लव करते हो, सेल्फ सेंटर्ड हो, ये सारी चीज़ उनको बहुत उनकी तरफ आपको आप उनको आपकी तरफ अट्रैक्ट करता है, वो आपके प्रति बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करते हैं, इसीलिए वो चाहते हैं इस रिश्ते में मेहनत करना। अगर मैं कहूँ इन 72 घंटे में वो इस रिश्ते में मेहनत करना चाहेंगे, और वो ये भी चाहते हैं कि काश कुछ ऐसा हो जाए कि उनके हाथों में एक जादू की छड़ी आ जाए जिससे वो सारे चीज़ फिर से अपने कंट्रोल में कर पाए। वो थोड़ी कंट्रोलिंग नेचर के हो सकते हैं वो इंसान, आप जिनके साथ रिश्ते में हो लिब्रा, मुझे ऐसा लग रहा है आप जिनके साथ रिश्ते में हो वो एरिस, लियो, सेजिटेरियस या फिर कैंसर, स्कॉर्पियो, सॉरी एरिस, लियो, सेजिटेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न में से कोई हो सकता है, और कोई भी राशि की हो सकता है, क्योंकि मेजर अर्काना के कार्ड्स तो आए हैं, दो दो मेजर अर्काना के कार्ड है, तो वो जो इंसान जो है वो थोड़ा कंट्रोलिंग नेचर के हैं, वो चाहते हैं कि हर चीज़ उनके मुताबिक हो। इन 72 घंटे में भी वो रिश्ते को कंट्रोल करना चाहते हैं, वो रिश्ते में मेहनत करना तो चाहते हैं लेकिन गिवअप करना नहीं चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं लेकिन मेहनत इतना करना चाहते हैं कि पूरा का पूरा जो रिश्ता है वो उनके कंट्रोल में आ जाए और वो इस रिश्ते को अपने मुताबिक चला पाए, इस तरह की मेहनत वो करना चाहते हैं। इन 72 घंटे में वो खुद को इस तरह से प्रेजेंट करेंगे, एक नॉलेजेबल पर्सन की तरह, कि इतना नॉलेज हो, वो खुद को इंट्यूटिव मानते हैं, उनको
लगता है कि उनको सब कुछ पहले से पता चल जाता है, वो जो चाहे वो कर सकते हैं, उनके पास गॉड की ब्लेसिंग भी है, अपनी पावर भी है, इस तरह की एनर्जी उनकी रहेगी। लेकिन वो रिश्ते से गिव अप नहीं करना चाहते हैं, लेकिन रिश्ते को कंट्रोल करना चाहते हैं। एक कंट्रोलिंग नेचर उनमें है और ये 72 घंटे में भी उनका नेचर एक कंट्रोलिंग नेचर ही रहेगा। एक्शन लेने के बारे में वो सोचेंगे, रिश्ते में मेहनत करेंगे, जल्दबाजी से एक्शन लेने के बारे में सोचेंगे। लेकिन वो जैसा मैंने कहा कि वो चाहते हैं कुछ चमत्कार हो जाए और सारे चीज़ उनके कंट्रोल में हो जाए, उनके मुताबिक हो जाए। अभी देखते हैं यूनिवर्स जी क्या कहना चाहते हैं। 10 ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स, 3 के कार्ड्स बहुत आ रहे हैं। तो हाई प्रिस्टेस, जैसा मैंने कहा कि अगर आप लोग रिश्ते में आना चाहते हो, अगर आप रिश्ते में हो भी तो भी एक तो पर्सन जो है बहुत कंट्रोलिंग नेचर के हैं, बहुत इंट्यूटिव है। हाई प्रिस्टेस का कार्ड आया है, वो पहले से सब कुछ जान जाते हैं। अगर आपको परिवार, रिश्ता, बच्चा सब चाहिए तो किसी की मदद लेनी पड़ सकती है। तो पहले आप अपने आप को उस काबिल बनाओ, आप दोनों जो रिश्ते में हो, और फिर किसी की मदद से रिश्ते को सही करो। पहले अगर आपका रिश्ता था या फिर रिश्ता चल भी रहा है, लेकिन फिर भी आप देखना चाहते हो कि वो क्या सोचते हैं, तो यूनिवर्स ही आपसे यही कहेंगे कि आप अपने आप को इतना पावरफुल बनाओ कि कोई भी आपसे कुछ बोलने से पहले 10 बार सोचे, और आप इंट्यूटिव बन जाओ, अपनी नॉलेज को बढ़ाओ, नॉलेज से सब कुछ देखो, ऑब्जर्व करो, अगर ज़रूरत पड़े किसी दोस्त की मदद से रिश्ते को सही कर सकते हो। अगर आप परिवार चाहते हो, बच्चे चाहते हो, कोई बात नहीं, लेकिन टीम वर्क करके आपको वो सब मिलेगा। अगर आप खुद चल के आगे चल के कुछ बोलते हो, तो जैसा कि आपके जो पर्सन है, मुझे लगता है कि थोड़ी कंट्रोलिंग नेचर की है और वो चीज़ों को अपने हिसाब से करना चाहेंगे, तो इसीलिए आपको किसी की मदद से चीज़ों को सही करनी पड़ेगी, तब जाके आप जो चाहते हो, आप लोग जो चाहते हो वो होगा। लेकिन किसी की मदद ज़रूर लेनी पड़ेगी और लीजिए, तब आपका जो रिश्ता है वो सही होगा। और अगर बहुत सारे लोगों की इन्वॉल्वमेंट है या फिर किसी की तरफ से भी थर्ड पार्टी है, हो सकता है लिब्रा आपके लाइफ में कोई हो या फिर उनके लाइफ में कोई हो, तो पहले उसको आपको हटानी पड़ेगी। और आपको इंट्यूटिवली आपको पता भी है, कोई एक तो है जिसके साथ लोगों की इन्वॉल्वमेंट है, चाहे वो रिश्ता हो, घर वाले हो, जो जिसको कंट्रोल, मतलब जिसकी दिमाग से चलता है। तो पहले आपको इंट्यूटिवली उसको समझनी पड़ेगी कि इसमें दिमाग किसका चलता है, इसीलिए आपको टीम वर्क करने पड़ेंगे, फिर जाके आपका परिवार रिश्ता सही होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।